नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर राज्य की गहलोत सरकार विपक्ष के निशाने पर। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने आरोप लगाया कि राजस्थान सरकार अपराध नियंत्रण में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। साथ ही उन्होंने गहलोत सरकार से मांग की सरकार कुर्सी की लड़ाई छोड़कर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ध्यान दे। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुखिया अपराध नियंत्रण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता सबके सामने है। उन्होंने कहा कि यूपी का एक व्यापारी जयपुर में व्यापार के लिए आया था, जिसका अपहरण कर लिया और उसे अपराधी धौलपुर उठा ले गए। वहीं दूसरी ओर जयपुर के सामर में एक व्यापारी के साथ दिन दहाड़े 2 लाख की लूट हुई। बारा में हाड़ौती की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सीताबाड़ी मेला व आदिवासियों की लघु कुंभ के नाम से विख्यात सीताबाड़ी मेले का आगाज इस वर्ष 19 मई से होगा। सिरोही मेला परिसर में दुकानों का आना प्रारंभ हो गया। मेले में ब्रेक डांस, झूला समेत अन्य दुकानें मेले से उठकर सीताबाड़ी मेले में अपनी रौनक बिखेरने आ गई है। मकराना से राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता व अध्यक्ष कुमकुम तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला व सेशन न्यायाधीश मकराना के निर्देश अनुसार। विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना बाल विवाह निषेध अभियान के तहत न्यायालय परिसर मकराना में पार्किंग स्कूल की छात्राओं को व आमजन को विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया। बाल विवाह निषेध अभियान 1 अप्रैल से 30 जून तक चलेगा। उक्त अभियान में पैनल अधिवक्ता अनिफी ने स्कूल की छात्राओं व आमजन जनता को कहा कि हमारे देश में भारतीय संस्कृति में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में भारत में कई बुरी प्रथाएं प्रचलित थी। उनमें से एक बुरी प्रथा थी बाल विवाह। इसमें लोग अपने छोटे छोटे बच्चों की शादी करा देते थे। यह प्रथा आज भी हमारे भारत में जस की तस अपनी जड़ें जमाए बैठी है और यह कुप्रथा और भी ज्यादा विकृत हो चली है। पैनल अधिवक्ता नेफी ने यह भी कहा कि बाल विवाह सामाजिक अपराध है। अगर शादी करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से कम हो या लड़के की उम्र 21 साल से कम हो, वो बाल विवाह कहलाएगा। जो भी बाल विवाह संपन्न करे या करवाए, जैसे पंडित, मौलवी, माता पिता, रिश्तेदार इत्यादि, उसमें से 2 साल तक की कड़ी सजा व 1 लाख रुपए का जुर्माना है। कोलायत के बीकानेर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीकानेर में आयोजित जन आक्रोश महाघेराव के कार्यक्रम के लिए जोधपुर से बीकानेर जाते समय नचग्यारा तहसील फाटा पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के नेता भूप सिंह भाटी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता टेचड़ी फांटा पहुंचे और पुष्प वर्षा के साथ जोशी का स्वागत किया। इस दौरान एमीलाल नैन ने बताया कि कोलायत के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का पहली बार कोलायत की पावनधरा पहुंचने पर जमकर स्वागत किया।
कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ जन आक्रोश का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बीकानेर जिला मुख्यालय पर आज प्रदर्शन करेंगे। झालावाड़ जिले के गंगदार उपखंड क्षेत्र की खबर, जहां बीती रात्रि भारतीय किसान संघ के जिला युवा प्रमुख विक्रम सिंह उर्फ बबलू बन्ना पर दो युवकों ने मारपीट की। विक्रम सिंह उर्फ बबलू बन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनों पूर्व वो नेहल नागेश्वर सेंट्रल बैंक के सामने दलाली को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। इसको लेकर बैंक बीसी व पद्माखेड़ी निवासी नारायण सिंह मुझसे दुश्मनी निकालना चाहते थे। वो मेरे दोस्त को भी कह चुका था कि विक्रम सिंह को मैं जान से मार दूंगा। जयपुर के अवामेल विधानसभा विधायक व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी व राजस्थान पीसीसी सदस्य रोहित जोशी द्वारा भट्टा बस्ती आर के होटल में मदरसे में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें स्थानीय रोजा रखने वाले व्यक्तियों ने सम्मानपूर्वक तरीके से रोजा खोला, उसके बाद वहीं पर नमाज अदा की। उपमहापौर असलम फारूकी, महासचिव आयुब गोरी, रशीद खान के इम्तियाज गोरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रण उपस्थित रहे। स्थानीय संगठनों से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। महासचिव अयुब गोरी व महेश जोशी, अध्यक्ष व्यापार महासंघ हाउसिंग बोर्ड ने स्थानीय व्यक्तियों को साथ लेकर कार्यक्रम की व्यवस्था संभाली। पटियाली में जनपद गाजगंज के पटियाली निर्वाचन स्थल पर जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन जिलाधिकारी अर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के तहत आज से शुरू हो रही नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। इसी प्रकार पटियाली के भागवत राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में बनाए गए नामांकन स्थल का निरीक्षण किया। उक्त नामांकन स्थल पर पटियाली विधानसभा 96 नामांकन पत्र खरीदे। आमापुर जनपद के कस्बे के कोतवाली परिसर में निकाय चुनाव व ईद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी रितु सिरोही ने स्थानीय लोगों से कहा कि पर्व को शांतिपूर्वक और भाईचारे के साथ मिलकर मनाएं। क्षेत्रीय अधिकारी राजू निषाद ने कहा कि निकाय चुनावों में नगर में अमन चैन बनाए रखें, चुनावों पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को जेल भेजा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।